हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने स्कूल, क्योंकि आज एक फंक्शन है, तो वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट लिया था उस फंक्शन में, तो उसमें मैं थर्ड आया हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं वहीं जा रहा हूँ। तो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ अपने स्कूल में। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने स्टेडियम में बैठा हूँ, मतलब जो ग्राउंड है हमारी स्कूल की। तो अभी सर बोल रहे हैं कि अभी आप थोड़ी देर वेट करो, क्योंकि सभी बच्चे नहीं आए हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर बैठा हूँ, और हमारे साथ एक दोस्त है जो मेरी वीडियो बना रहा है, तो उसने भी पार्टिसिपेट लिया था। हमने मास्क मेकिंग कंपटीशन में हमने पार्टिसिपेट लिया था, जिसमें हमने मास्क बनाया था। तो ये उसमें फर्स्ट आया और मैं सेकंड आया हूँ, तो सॉरी थर्ड आया हूँ मैं उसमें। तो अभी फ़िलहाल हम वेट कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे आए तो उन्होंने हमारे 12:30 बजे तक का टाइम दिया हमें। तो अभी मैं यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो फ़िलहाल अभी जब मेरे को सर्टिफिकेट मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। उसमें विनिंग प्राइज़ भी था, मेरा है 500, इसका है 1000 है तेरा, इसका 1000 है, और सेकंड नंबर का था 750। तो वो भी हमारे बैंक में आ जाएगा। तो उसके बाद फ़िलहाल अभी जब मेरे को सर्टिफिकेट मिलता है तब मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, अभी मैं घर पे जा रहा हूँ, अभी मैं वहाँ से सीधा ट्यूशन पढ़ने चला गया था। तो अभी 4:30 हो गए हैं, तो अभी मैं घर जा रहा हूँ यहाँ से। निज्जू दरवाजा खोल। एक्चुअली मैंने सुबह से आज अभी तक कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ सुबह खाए थे मैंने रोटी, फिर उसके बाद मैंने खाया नहीं, इसलिए मैंने केले ले आया था, तो सोचा कि केले खा लूँ। तो मैं पहले खा लेता हूँ केले, फिर आपको मिलता हूँ बाद में। मेरे को आपसे एक ज़रूरी बात शेयर करनी है, तो मैं आपको पहले केले खा लेता हूँ फिर बताता हूँ। सो गाइस, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है तो वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो क्या हुआ नहीं कि एक व्लॉगर है हमारी JNK की, मैं JNK का रहने वाला हूँ, तो उनका नाम है अपर्णा देवयाल। तो उनकी वीडियोस में, मतलब उनको मैं जानता नहीं हूँ, अभी थोड़े दिन पहले ही वो मेरे को ऐसे मेरे उसमें आती है ना, स्क्रॉल करते हैं तो हम YouTube में, तो वो हमें मेरे को दिखी, तो मैंने उनको ऐसे किया, तो उनकी वीडियोस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो मैंने उनकी लगातार पता नहीं कितनी ज़्यादा वीडियोज़ देख ली एक ही दिन में। तो फिलहाल अभी कल ही उनकी एक वीडियो आई, तो रात को जब मैं सो रहा था तब आई। तो उसमें क्या था कि एक बच्चा है, पता नहीं छोटे से दो बच्चे थे, तो उनका ना एक्सीडेंट हो गया, तो एक की पता नहीं वो बोल रही थी कि ऑन स्पॉट डेथ हो गई, और दूसरी वाले की पता नहीं कि हेड में बहुत ज़्यादा लगी है। तो कल ही मेरा एक कंपटीशन हुआ, तो कंपटीशन हुआ मेरा कल एक हमारे स्कूल में हुआ, तो जिसके लिए मैं आज गया था, मैंने आपको बताया कि मेरे को एक अवार्ड मिलने वाला है, तो उसके लिए मैं थर्ड आया हूँ। तो वो मेरा ख़त्म हो गया, 1:30 बजे के करीब ख़त्म हो गई थी मेरी वो जो सेरेमनी थी। तो उसके बाद मैं सीधा ट्यूशन चले गया, और अभी मैं घर आया तो अभी मैं सीधा यहाँ पे छत पे आ गया। तो फिलहाल उसके बाद मैं बात कर रहा था कि जो उनके मैंने व्लॉग देखता हूँ, तो कल एक व्लॉग आया उनका, तो वो मैं देखा, तो उसमें उन्होंने बता रही है कि एक पुंछ के ही रहने वाले हैं वो, तो उनकी पता नहीं क्या उनके दोनों भाइयों की एक्सीडेंट हो गया उनका, तो एक पता नहीं मर गया ऑन स्पॉट ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर वो बता रही थी। तो और एक को बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, तो उसके लिए क्या है कि जो मेरा यही है कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मेरे को मतलब कल जो फंक्शन हुआ हमारे स्कूल में, जो जिसके लिए मास्क बनाना था, तो उसके लिए मुझे 500 रुपीस आए हैं, तो अभी तक आए नहीं है, पर मेरे पास 500 रुपीस हैं। तो उन्होंने ना बैंक डिटेल्स दी हैं, वो उनकी जो घर वालों की स्थिति है ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो अगर आप कुछ उनकी मदद कर सकते हो तो आप कर सकते हो। तो ना मेरे को ना ऐसे कि कोई चीज़ अगर मैं देख लेता हूँ ना एक बार, फिर मैं उसी के बारे में सोचता रहता हूँ, उसी के बारे में, और मेरा दिल इतना वो नहीं है, मतलब जल्दी से वो हो जाता है। तो फिर मेरे को पूरी रात नींद ही लाई, उसी के बारे में सोचता रहा। तो फिलहाल अभी मेरा ये है कि जो मेरे को जो थर्ड नंबर में मेरे को 500 रुपीज़ मिले हैं, तो मेरा ये है कि जो 500 रुपीज़ है वो मैं इनको डोनेट कर दूँ, मतलब इनको दे दूँ, इनके जो बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं वो मैं इनके जो अर्पणा जो देवयाल है उन्होंने जो शेयर किया उनके अकाउंट नंबर पे मैं डाल दूँ। तो फिलहाल अभी अगर आपको लग रहा है कि ऐसे मजाक कर रहा, तो मैं आपको उसकी शेयर भी कर दूँगा, जो मैं पैसे उनको सेंड करने उससे जो पैसे मैं उनको सेंड करूँगा।
अभी फ़िलहाल मेरा यही है कि अपर्णा दी भी काफ़ी अच्छी ब्लॉगर हैं, तो उनके भी काफ़ी अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए हैं, हो रहे हैं, और मैं यही करूँगा कि वो भी ऐसे ही बढ़ती रहे आगे। तो फ़िलहाल अभी मैं जब तक ये नहीं करूँगा तब तक मैं ना यही सोचते रहूँगा और इसी के बारे में। और ना एक किया कि जो कंपटीशन हुआ तो मुझे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे पैसे नहीं है, मतलब मैं असली हकदार उनका मैं नहीं हूँ ऐसे लग रहा है मुझे। तो इससे अच्छा अगर ज़रूरत वहाँ पड़ सकती है उनको, इनको इससे ज़्यादा ज़रूरत है इन पैसों की, तो फ़िलहाल वो पैसे मैं उनको डोनेट कर रहा हूँ। तो अपर्णा दिव्याल का भी मैं वहाँ पे नीचे लिंक में दे दूँगा उनका चैनल, तो आप जाके वहाँ दे सकते हैं। वहाँ पे उनकी बैंक डिटेल्स भी दी हैं, उनका बैंक का जो खाता है उनका वहाँ पे नंबर दिया, तो आप भी हो सके तो डोनेट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा वो बुरी हालत में, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, पर अपर्णा दी के आप चैनल में जाके व्लॉग में देख सकते हो, मैं उसका लिंक डाल दूँगा नीचे। तो फ़िलहाल बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी और आपको बुरा भी लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।